अब 21वें में कहा है कि त्रिभुज, देखिए अब ध्यान से बड़ा कर लिए है ना, आप बड़ा कर लीजिए, देखिए ये आठ, ये आठ सी का क्वेश्चन नंबर 21 है, और क्वेश्चन नंबर 21 आठ सी का, देखिए एक त्रिभुज पहले बना लीजिए, उसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। एक चित्र बना लीजिए ऐसे, ऐसे एक फिगर बना लेंगे। अब ए बी सी तीन कोण इसमें मानने के लिए कहा है, समझने के लिए, तो हम इसको बना लेते हैं इस तरह से, और तीनों अंतःकोण हैं, यानी कि ये अंतःकोण, ये अंतःकोण और ये अंतःकोण, तीनों अंतःकोण हैं, तीनों अंतःकोण हैं। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे दो, यानी सिद्ध क्या करना है, देखिए साइन बी प्लस सी बटे दो बराबर कॉस ए बटे दो। ओके, तो यही आपको सिद्ध करना है। और दिया क्या है भाई, यही दिया है, त्रिभुज दिया है और तीनों अंतःकोण की चर्चा किया है कि ए और बी और सी जो है ये तीनों अंतःकोण हैं। तो आप सिद्ध कर दीजिए कि साइन बी प्लस सी बटे दो बराबर कॉस ए बाई टू, सिंपल, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, प्रश्न समझ गए ना, तो ठीक है, बढ़िया आइडिया है। अब देखिए कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा ना रूल के हिसाब से, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। अच्छा, इनके दिमाग में आइडिया कैसे आया होगा, जैसे कि बी और सी और ए है ना यहाँ, तो मतलब तीनों कोण को जोड़ा जाएगा ना, फिर देखिए साइन कॉस की बात है तो साइन कॉस देखा जाएगा, अभी पहले जोड़ लेते हैं। अब बी और सी को एक तरफ रखना है, देखिए अब बी और सी को एक तरफ रखना है, तो इसको एक तरफ रखिए यहाँ पर, ओके, ये एक तरफ रखिए आप, ठीक है, समझे आप, तो इसको एक तरफ रखिए, यानी कोण बी प्लस कोण सी एक तरफ रखिए, और बराबर 180 माइनस, इस कोण ए को हम उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस कोण ए होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। अब क्या है कि इसी के हिसाब सेट करिए, इसी के हिसाब सेट करिए। अब दोनों पक्षों में दो से भाग कर दीजिए, जैसे इसमें भाग किया हुआ है, दोनों पक्षों में दो से भाग कर दीजिए, कोण बी प्लस कोण सी बटे दो हो जाएगा, और 180 डिग्री माइनस कोण ए बटे दो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको तो अलग कर नहीं पाएंगे, कोई मतलब फायदा नहीं होगा अलग अलग करने से, तो इसको हम ऐसे हूबहू उतार लेते हैं और इसको हम भाग कर लेते हैं, जैसे 180 के बटे भी दो लिख सकते हैं, माइनस कोण ए के बटे भी दो लिख सकते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, तो इसको ऐसे हम उतार लेंगे, बटे दो लिख देंगे, और इससे काट करके 90 बना लेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा, और कोण ए बाई टू लगा लेंगे। अब यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब जब चेंज इधर का, देखिए यहाँ चेंज होगा, ये चेंज होगा नहीं, चूंकि आपको साइन लाना है, ये कॉस लाना है, इसका मतलब है कि यहाँ साइन रहना चाहिए, तो दोनों पक्ष में जो लेंगे वही रहेगा, तो दोनों पक्षों का साइन ले लीजिए, दोनों पक्षों में साइन ले लीजिए, यानी कोण बी बटे कोण सी बटे दो, यहाँ पर हम, सॉरी ये कट गया, थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये साइन ले लेंगे, ओके, साइन कोण बी प्लस कोण सी बटे दो, दोनों पक्षों में साइन ले रहे हैं आप, दोनों पक्षों में साइन ले रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है, और उसके बाद हो जाएगा साइन साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, ये कोण लगा सकते हैं, और उसके बाद हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोण बी प्लस कोण सी बटे दो लिख देंगे, बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, थीटा के जगह हम रखेंगे ए बाई टू, तो इस तरह से सिद्ध हो गया, आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, तो समझ में आया कि नहीं आया, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट है, सिद्ध हो गया, ये सिद्ध तो करना था, तो यहाँ पर ऐसे घेर करके आपको हेंस प्रूफ लिख देना है, तो बस यही ध्यान रखना है कि क्या इसमें तरीके अपनाने इम्पोर्टेंट भी हैं। ओके, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले करके ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। ओके।